तो यहाँ पे लिखा है कि चिंता में और चिता में क्या है, एक बिंदु का, एक डॉट का डिफरेंस है। जो चिंता है वो जीवित बंदे को जलाती है, वी आर अलाइव, और जो चिता है किसको जला रही है, मृत बंदे को। तो स्ट्रेस इन हिंदी इज कॉल्ड चिंता। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वी हैव स्ट्रेस, व्हेनेवर वी हैव स्ट्रेस वी हैव डिफरेंट कोप अप मैकेनिज्म्स। कि स्ट्रेस आएगा तो किसी पर्सन का ध्यान जाएगा स्विगी जोमैटो पे, लेट्स ऑर्डर समथिंग, किसी का ध्यान जाएगा कि लेट मी स्मोक, किसी का ध्यान जाएगा कि चलो आज महफिल सजाते हैं, किसी का ध्यान जाएगा एनीथिंग, मल्टीपल थिंग्स है, शॉपिंग कर सकते हैं। कोई शॉपिंग नहीं करेगा तो सिर्फ जूडो जाके घूम के भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि बास्केट में कुछ डाला, ठीक है, तो वो भी हेल्प करता है उनको। अब ये कोप अप मैकेनिज्म से तो वील नो क्या कोप अप मैकेनिज्म अच्छी होती है क्या बुरी होती है। अच्छी वो है जो चिंता से बाहर लेके आ रही है, टेम्पररीली ऑल्सो फ्यूचर में ऑल्सो, हेल्दी कोप अप मैकेनिज्म। ओके लेट्स रीड, ना वन पर्सन कैन रीड फॉर मी, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप करते हो जब आप स्ट्रेस में हो, वो आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगी, पॉजिटिवली हेल्प करेगी, और वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है उससे बाहर आने में हेल्प करेगी। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कोप अप मैकेनिज्म्स हैं, सैमसन कैन रीड फॉर मी, नेम कॉलिंग और इंसल्टिंग, बीइंग वांटेड टुवर्ड्स अदर्स, स्प्रेडिंग रूमर्स, येलिंग एंड स्क्रीमिंग, हर्टिंग योरसेल्फ, थ्रेटनिंग, रेकलेस बिहेवियर, यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल, शटिंग डाउन, इमोशनल ईटिंग, ब्लेमिंग अदर्स, अवॉइडिंग द प्रॉब्लम, being passive aggressive, getting revenge, destroying property, pretending not to care, oversleeping, negative social media posts. Subconsciously ये चीजें easily available है और करते आए हैं बहुत सालों से, तो लगता है कि help कर देती है कहीं ना कहीं। But what happens, एक problem solve करने जा रहे हो, hurt अपने आप को किया, एक और problem add हो गई, किसी पे चिल्लाया, relationship spoil हो गया, threaten किया, बैड बुक्स में चले गए, वायलेंट बिहेवियर हुआ, परसेप्शन चेंज हो गया किसी का, इमोशनल ईटिंग की, वेट गेन हो गया, सो एनीथिंग व्हिच यू आर डूइंग, ओवर स्लीपिंग किया, ऑफिस पे लेट पहुंचे, एनीथिंग यहां से जो करोगे लगेगा कि स्ट्रेस से बाहर लेके आ रही है, बट अल्टीमेटली और दो तीन चीजों से स्ट्रेस बढ़ रहा है। एग्री एग्री ठीक है। जो जब बीवी नाराज होती है हस्बैंड से और हस्बैंड बोलता है खाना बनाया क्या, और थाली लेके जोर के सामने रखती है, ये लिखा, इट मींस नॉट सेइंग दैट आई एम एंग्री विद यू, बट शोइंग थ्रू एक्शंस पैसिवली, अंदर से गुस्सा है, बाहर से स्माइल कर रहे हैं, लेकिन वो दिख रहा है एक्शन में, तो क्या है पैसिव एग्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैं अभी ये समझ गया, मुझे चिंता चिंता उसके बाद क्या हेल्दी है नॉन हेल्दी, फिर भी ना ऐसा बहुत लोग सब कुछ नॉलेज है फिर भी गोली खा रहे हैं आज भी, तो उसका क्या है मतलब, पागलपन वाला गोली खा रहे हैं ऐसे। हाँ नहीं ऐसे भी है मेरे कुछ ये जो कोरोना के बाद बिजनेस लॉस हो गया ना अभी भी गोली खा रहे हैं। अब जब बोल रहे संजय सर की गोली खा रहे हैं और उनको पता है कि सब कुछ उनके लिए क्या सही है, ठीक है, गोली क्या है, इट इज अ ड्रग, है ना, ड्रग इज कौन सा लाइसेंस लगता है मैन्युफैक्चर करने की दवाइयां, ड्रग लाइसेंस है ना, चाहे वो ओपीएम हो, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे वो दूसरा ड्रग हो, चाहे गोली हो, वो ड्रग की कैटेगरी में आता है। हां सो व्हाट दे आर डूइंग इज उनका कोप अप मैकेनिज्म ये है, ये सब कुछ करके गिल्ट आता है तो गोली थोड़ा गिल्ट फ्री है ना, गोली तो गवर्नमेंट ने ठप्पा लगाया ना, गोली तो अलाउड है ना, मेडिकल गोली है, कौन सा मैं हीरोइन ले रहा हूँ, कौन सा मैं क्रिस्टल मेथ ले रहा हूँ, कोई ड्रग्स तो ले नहीं रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज ऑल्सो इजी ऑप्शन फॉर देम। बाकी जो चीजें हमने इसके पहले देखी सभी के लिए वो इजी नहीं होगी, सभी के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ
पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, डीप ब्रीदिंग करो, ये सब बहुत एफर्ट्स लगते हैं करने में। शांति से बैठो, हैंग आउट विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ही नहीं है तो क्या करें, म्यूजिक सुन रहे तो थॉट्स आ रहे क्या करें, योगा मेडिटेशन पसंद नहीं है तो क्या करें, ड्राइंग पेंटिंग कभी की नहीं, उसके नो वन इज लिसनिंग टू मी, व्हाट शुड आई डू। सो दे हैव कॉमन सिंपल ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है उसी की तरफ जाएंगे, वो डिफिकल्ट रूट नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि सोल्यूशन इज ओपन, व्हाई एवरीवन इज नॉट टेकिंग द सोल्यूशन। हाँ, लेकिन जब तक गोली खा रहा है जब तक ठीक है, गोली बंद किया पीछे टेंशन आना चालू, उल्टा सीधा बात करना शुरू कर देता है, नॉर्मल है क्योंकि ब्रेन के अंदर केमिकल्स है वो कम हुए, गोली ने उसको टेंपरेरली कवर अप किया, हो जाएगी वापस नॉर्मल हो जाएंगे। बट अगेन दे आर हैविंग डिफिकल्टी टू चेंज, दैट इज व्हाई टेंपरेरली दे आर क्विक फिक्सिंग द प्रॉब्लम। हाउ लॉन्ग इट विल टेक? कुछ छोटी चीजें कुछ बड़ी चीजें, कुछ कुछ चीजों का स्ट्रेस लेना अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे जानते हैं, पहले डिस्कस किया है, दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कंट्रोल। लाइफ के अंदर सबसे पहले जो चीजें मेरे हाथ में है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जिसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, जिसको मैं एनहांस कर सकता हूँ, जिसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, दैट इज मैं क्या सोच रहा हूँ मेरे हाथ में है, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ मेरे हाथ में है, किसी और के बारे में क्या सोच रहा हूँ मेरे हाथ में है, मैं क्या वर्ड स्पीक कर रहा हूँ, मेरे एक्शंस क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, मेरा रिएक्शन क्या है, किसी ने मुझे इंसल्ट किया मैंने कैसे रिएक्ट किया, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। अब हम ये नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ यू आई गॉट एग्रेसिव, मेरे हाथ में है। नेक्स्ट, माय डिसीजंस, व्हाटएवर चॉइसेस यू मेक इन लाइफ, फूड चॉइसेस हो सकती है, करियर चॉइसेस हो सकती है, बाइंग अ न्यू कार की चॉइस हो सकती है, फाइंडिंग योर पार्टनर की चॉइस हो सकती है, इट्स इन योर हैंड, योर माइंडसेट इफ इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, योर मूड, आज मेरा मूड खराब है मेरे हाथ में है, वो मूड खराब कितना टाइम रहना चाहिए मेरे हाथ में है, और माय वर्क एथिक्स, नाउ दिस इज एरिया ऑफ कंट्रोल इन माय हैंड, इन माय हैंड, ठीक है। इसके लिए मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, इसके लिए मुझे क्या करना है, एक्शन प्लान बनाना है। व्हाट इज एक्शन प्लान? एक्शन प्लान क्या है? एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, वो है एक्शन प्लान। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है बताए, एरिया ऑफ इंफ्लुएंस, ये मेरे हाथ में नहीं है और बिल्कुल कंट्रोल से बाहर भी नहीं है, थोड़ा बीच में है, थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूं, थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, दूसरे लोगों के एक्शंस, अब ये दूसरे लोग में अगर किसी के बेटे का कोई एक्शन है, सन का एक्शन है, तो यू कैन गाइड देम एंड चेंज दैट एक्शन, तो क्या ये एरिया ऑफ इंफ्लुएंस है? अदर पीपल्स थॉट्स, नॉट कंप्लीटली इन योर हैंड, बट यू कैन इंफ्लुएंस देयर थॉट्स, यू कैन इंफ्लुएंस देयर थॉट्स, your commitments, you can influence, you can set a priority in your life, who follows you on social media, okay, you can block them, you can influence, your reputation, you can influence, if you have a bad reputation, you can build good habits and influence, you will get promoted or no, it's not area of no control, aapke upar nahi hai, aap ye nahi bol sakte ki main kabhi promote hi nahi ho raha hu because meri destiny kharab hai, you can influence by doing good work in the organization, then how much your partner loves you, isko humne yahan kyun nahi dala, because you can give lot of love to your partner again 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 and still get 10% in return, ho sakta hai you are investing 80% 90% you are getting 10%, but you can slightly influence, not control. Then who you vote for, your children's future, whether people like you or no, your productivity at work, other people's choices can influence. Someone is ordering biryani, you can influence them to order pizza, बट नॉट कंट्रोल, ओके, ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है, ये आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बट नो गारंटी, बट नो गारंटी। अब यहाँ पे शिवानी विल रीड फॉर मी द आउटर सर्कल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑन टाइम, द आउटर, द आउटकम ऑफ मोस्ट कोर्ट केसेस, स्पोर्ट्स मैच, द मीडिया बीइंग मेड redundant, redundant, how much stock and retailer has, celebrities behavior and opinion, strangers comment on forms and social media forums, cyber threats,
strangers' behavior and driving habits, economy, prices, traffic, where you were born, death, government policy, threat of war, world peace, weather, your past decision, choices or behavior. ये सारे आपके हाथ में नहीं है, नहीं है means नहीं है। आप उसके लिए चाहे कितना भी किसी को पोस्टो, अपने आप को पोस्टो, ब्लेम करो, जो मर्जी करो, आपके हाथ में नहीं है, मतलब नहीं कह सकते। You cannot even influence him. So if you are taking stress for this outer circle, that stress is not required. First of all, पहले तो आपको अगर 10 चीजों का स्ट्रेस ले रहे हो, उसमें से 6-7 चीजें यहाँ की निकलेगी। So you have to come out. फिर यहाँ की निकलेगी। Try to influence it. If not possible, get out of it. And just focus on this. What I have to do with my life, this should be your focus. Not what anyone else is saying or anyone else is judging you, anyone else is giving you a label. ठीक है, clear? ठीक है, अभी इसके बाद आते हैं meditation के ऊपर। Meditation के बारे में कुछ myths है, गलत फहमियां बहुत सारी। तो पहले गलत फहमियां जानते हैं। पहला है कि meditation बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुझे बहुत शांत माइंड से बैठना पड़ेगा, सब थॉट्स को दूर करना पड़ेगा। ठीक है, आई शुड फील पीसफुल व्हेन आई मेडिटेट, आई कैन ओनली मेडिटेट विद माय आईज क्लोज। मेडिटेशन इज बोरिंग, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि वी आर सो मच ग्लू टू एक्साइटमेंट। फोन में वी आर वॉचिंग वीडियोज, रील्स, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ, तो बोरिंग चीजें नहीं पसंद। ठीक है, इफ इट में दाल सब्जी आई, बाजू वाले को लगा मैं दाल सब्जी खाएगा क्या, मैं स्विगी से कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट समथिंग एक्साइटमेंट, आई डोंट वांट समथिंग बोरिंग इन माय टिफिन आल्सो। ओके, देन आई नीड अ क्वाइट स्पेस टू मेडिटेट। नाउ इन मुंबई और वेयर एवर यू स्टे, फाइंडिंग अ क्वाइट स्पेस कैन बी डिफिकल्ट। वेयर एवर यू स्टे देयर विल बी व्हीकल्स, देयर विल बी सम साउंड, नेबर का साउंड आएगा, कुछ ना कुछ विल हैपन। नेक्स्ट, आई हैव टू सिट इन अ स्पेसिफिक फिजिकल पोजीशन, इस तरह से बैठना पड़ेगा, हाथ की कोई पोजीशन होगी, बैक बहुत स्ट्रेट होगा, दैट इज आल्सो अ मिसकंसेप्शन। ऑल्दो सम थिंग्स माइट हेल्प यू मेडिटेट, बट दे आर नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, मेडिटेशन कॉन्फ्लिक्ट्स विद रिलीजन, कि मेरे रिलीजन बोलती है कि दिस शुड बी डन टू ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन इज वेरी वेस्टर्न, आई डोंट वांट टू डू। और जो एथीस्ट है, ही विल बी लाइक आई वांट टू गो टू मेडिटेशन बट आई डोंट वांट टू चैंट समथिंग बिकॉज इट इज अगेंस्ट माई रिलीजन, आई डोंट हैव टाइम। ये बहुत कॉमन है। तो यू हैव टाइम टू टेक स्ट्रेस, यू हैव टाइम टू हैव मेडिसिन, गोली, व्हाटएवर, यू हैव टाइम टू हैव कोपिंग मैकेनिज्म्स, नेगेटिव वाला, बट देन वी से वी डोंट हैव टाइम टू मेडिटेट। मेडिटेशन इज सेल्फिश, दुनिया पे आप दूंगा तो लोग दुनिया कैसे चलेगी? अगर मैं पर्वत पे चला गया, संसार छोड़ दिया, त्याग दिया, सो व्हाट विल हैपन टू माय लव वंस? अगर मेरे को ऐसा माइंडसेट हो गया, इट विल टेक इयर्स टू बेनिफिट फ्रॉम मेडिटेशन। Okay, visualizations are meditation, and meditation means escaping your real life. मैं भाग रहा हूँ अपनी life से, problem से भाग रहा हूँ। These are some myths about meditation. यहाँ पे कुछ question है? Okay, before we come to facts also, let us first discuss कि meditation के क्या prescribed benefits हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे science based evidences है कि mental health conditions में, जैसे जो लोग गोलियां खा रहे हैं, research हुआ, 10 लोगों का group यहाँ बनाया जो गोलियां खा रहे हैं, 10 लोगों का group एक और बनाया जो regularly meditate कर रहे हैं, उनके brain के scan किए, और उनके brain के scan में जो neurochemicals की गोली खा रहे थे वो meditation करने वालों में naturally बढ़ गई, जो गोली खा के बढ़ रही थी, जो सेरेटोनिन है नेचुरली बढ़े। सो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हेल्प कर सकता है, कैन हेल्प यू इन क्रिएटिविटी, हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है, स्ट्रोक का रिस्क कम होता है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, समवन गेट्स पेन इन द मॉर्निंग, नेक पेन, स्टिफनेस, बैक पेन, अर्थराइटिस, ओस्टो अर्थराइटिस, स्टिफ नेक, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय स्ट्रेस। नेक्स्ट है, इट कैन डिक्रीज योर डिप्रेशन, कैन अवॉइड डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी कम हो सकती है, इट इंक्रीजेस ग्रे मैटर इन द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में ग्रे मैटर होता है व्हिच हेल्प्स यू हैव बेटर मेमोरी, व्हिच हेल्प्स यू बीइंग मोर इमोशनल रेगुलेशन,
ज्यादा इमोशनल नहीं रिएक्ट करने हेल्प करता है, वो बढ़ता है। मेडिटेशन विल हेल्प यू पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ाने के लिए। नॉर्मली पेन चुभ रही है मुझे, और जो पर्सन रेगुलरली मेडिटेट करता है, यू नो योगीज एंड ऑल दे यूज्ड टू सिट इन फॉरेस्ट एंड स्टिल उनको चोटें भी लगती रहती थी, एनिमल्स यूज्ड टू अटैक, फिर तो पेन का थ्रेशोल्ड उनका कम होता था। मेडिटेशन हेल्प्स यू फाइट विद पेन बेटर एंड इट कैन हेल्प यू मोर फोकस अटेंशन अंडर स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस। मॉर्फिन पेन रिलीवर है, जैसे आप पैरासिटामोल खा रहे हो वैसे मॉर्फिन एक गोली है। मॉर्फिन का जो इफेक्ट ब्रेन के ऊपर होता है वो सेम इफेक्ट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 months मेडिटेशन करने वाले ब्रेन में मॉर्फिन का। और मॉर्फिन अभी बैन हो चुकी है, मॉर्फिन की जगह एसाइक्लोफिनैक डाइक्लोफिनैक ऐसी गोलियां आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक ठीक। नाउ व्हाई यू नीड टू नो दीस थिंग्स, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग समथिंग उसकी थोड़ी तो खूबी पता होनी चाहिए। If you try meditation, you should know what should motivate you to meditate. Now some happy hormones, dopamine, serotonin, endorphins. ये तीनों की वजह से ही लोग गोलियां खाते हैं। Meditation करने वाले के brain में naturally these neurochemicals they increase. अच्छा, sir, जो meditation नहीं करते हैं उनका? देखो, normal जो normal है, बच्चे लोग meditation नहीं करते, normal लोग meditation की गुस्सा क्या आया इसमें? Good. Now what happens when हम लोग छोटे हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल कम है, स्ट्रेस से कोप अप कर पा रहे हैं, मम्मी ने चिल्लाया बाहर जाके खेला सब भूल गए, इमीडिएटली दिल पे कुछ नहीं लिया, किसी ने इंसल्ट किया, जो फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई कल उसके साथ ही खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारी तरफ ब्लॉक करके बैठे, उसको दो दो साल पाँच पाँच साल दुश्मनी करके बैठे, इमीडिएटली भूल गए बच्चे, बिकॉज वहाँ पे उनका जो इमोशनल रेगुलेशन ब्रेन के एरियाज वगैरह है वो हमारी तरह डेवलप नहीं है चीजें याद रखने के लिए, तो उनका स्ट्रेस लेवल लिमिटेड लेवल पे ही रहता है और वो लोग नहीं खा रहे गोलियां, उनको जरूरत नहीं क्योंकि ये नेचुरली उनका डेवलप हो रहा है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वी आर मेसिंग अप विद थिंग्स, उतने हम लोग जैसे केमिकल लेडन फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग फ्रेश थिंग्स एंड ऑल, देन पॉल्यूशन एवरीथिंग दैट ऑल्सो इफेक्ट्स ब्रेन को। ठीक है, अब दूसरा बेनिफिट मेडिटेशन का जो बोला जाता है, लाइक अकॉर्डिंग टू इफ यू से बाइबल आल्सो भगवद गीता आल्सो एनी रिलीजियस टेक्स्ट इज दैट इट इज हेल्प यू ग्रो स्पिरिचुअली। ठीक है, जो पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है दैट पर्सन कैन बी मोर रेजिलिएंट, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जल्दी बाहर आ सकता है। ठीक है, सो हु बिलीव्स दैट यू आर अ बॉडी और यू आर अ सोल और व्हाट यू आर, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस हु यू आर के बारे में? Any thought? A quote. एक quote मैंने पढ़ा था that used to say, we are spiritual people having human experience. एक है कि हम लोग human beings हैं जो spiritual experience ले रहे हैं, एक हम spiritual beings हैं जो human experience ले रहे हैं। Anyone else? Soul, spirit इसके बारे में कुछ? शिवानी. Sivani also meditates and Sanjay sir also meditates, so these two people can also add their wisdom whenever they feel like. You want to add? Okay. Now, just spirituality का concept है, वहाँ पे concept आता है chakras का. Any knowledge chakras के बारे में? तो हमारी body के अंदर soul है, मतलब या मैं बोलूँ soul के ऊपर body का cover है. Body के अंदर soul नहीं है, soul के ऊपर body का cover है. Soul के ऊपर ये बॉडी के कपड़े हैं, ये तो ये कपड़े हैं, उसके नीचे जो बॉडी है वो भी कपड़ा है और सोल हूं मैं। ठीक है, सो सोल के पार्ट्स के अंदर आता है कि सोल की भी एक अलग एग्जिस्टेंस है और उसके अंदर देयर आर चक्रास। नाउ एमआरआई स्कैन में एक्सरे के अंदर कोई चक्रास नजर नहीं आने वाले। ठीक है, ये वो थ्योरी है जो बहुत सारे लोग मेडिटेट किए ओवर इयर्स, उन्होंने देखा अपने अंदर कि हमारे अंदर इतने सारे चक्रास हैं। ओके, तो क्या है वो डिटेल में नहीं, थोड़ा सा जानेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सोल नॉट अ रियल बॉडी। ओके, सो इफ यू सी फ्रॉम हियर रूट चक्रा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलाधार चक्रा। ओके, रूट चक्रा, देन सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन, ये जो है एरिया इसको टेंथ गेट भी बोलते हैं। यहाँ पर टेंथ गेट मतलब इट इज सेड in spirituality that whenever this chakra opens up you are liberated,
यू विल नॉट बी बोर्न अगेन, यू विल नॉट बी बोर्न अगेन, मोक्ष मिल गया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, चक्र मींस व्हील और गियर होता है, जैसे कार का गियर होता है, तो यहाँ पे चक्रास है जो ऐसे घूम रहे हैं, ये चक्र इसको घुमा सकता है, ये चक्र इसको घुमा सकता है, ये इसको घुमा सकता है, ये घुमा सकता है, ऐसे घूम के दिस कैन गेट एक्टिवेटेड। ओके, नाउ लेट्स सी, सो नेम्स इन हिंदी आर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा चक्र और सहस्रा चक्र। आज्ञा चक्र इज हियर, जो लोग बोलते हैं कि मुझे दूर का समझ आता है या ध्यान में रहता है या मे बी आई एम इंट्यूटिव, आई कैन नो थिंग्स दैट कैन हैपन, मैंने सपना देखा और वो सही हो गया, सो मींस दैट दिस चक्र इज एक्टिव, ठीक है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू वेरी डेप्थ ऑफ दिस, तो वी शुड एक्टिवेट दिस वन ना, आइडियली यस, तो बाय ओनली मेडिटेशन दिस इज द वे टू एक्टिवेट। गुड क्वेश्चन। अभी इन द मार्केट, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो मार्केट, है ना, जैसे जहाँ पे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, तो समवन विल क्लेम कि आपको हार्ट चक्र में इश्यू, आई विल ओपन अप योर हार्ट चक्र, तो बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे देखोगे, कोई एक गुरु है जिसने हाथ यहाँ रखा है, समवन इज लाइक वाइब्रेटिंग एंड फॉल डाउन एंड देन समथिंग इज हैपनिंग, सो दे विल, तो दिस इज एंड नॉट अ रियल वे टू ओपन अप योर चक्रास, क्योंकि सारे चक्रास रेशियो और प्रोपोर्शन में ओपन अप होने चाहिए, नॉट रियल वे, मतलब दैट इज आल्सो वन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द, मतलब वो पावर ट्रांसफर कुछ कर रहा है क्या, दैट इज आल्सो वन, या बिकॉज़ ही इज आल्सो सेल्फ रियलाइज्ड सोल, ही मे हेल्प अदर पीपल हैव सम एक्सपीरियंसेस, बट उसमें क्या हो रहा है, समवन इज नॉट एबल टू, आप पीएचडी करा रहे हो ऐसे पर्सन को जो बीकॉम भी नहीं है, जो 12th पास भी नहीं है, सो लेट हिम एक्सपीरियंस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, देन ही कैन हैव दैट एक्सपीरियंस, which is not the right way, उसकी वजह से बहुत सारे लोग mentally issues के शिकार हो गए हैं, psychological issues के, even admitted to rehabilitation, जो लोगों ने इस तरह से मतलब they went to a retreat and tried to open up the chakras like that. Now ये brain का scan है, this is normal person का brain waves, जहाँ पे जिसके अंदर anxiety, depression, mental health के issues है, just after 15 and 25 minutes of meditation, जो ब्रेन के हेमिस्फीयर्स है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स है, जहाँ पे थिंकिंग है, इमोशंस है, वो अच्छे से अलाइन हो जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंशिएशन आ जाता है, दिस इज जस्ट आफ्टर द रियल ब्रेन स्कैन, एमआरआई स्कैन ऑफ अ ब्रेन आफ्टर 15 एंड 25 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, दिस इज अगेन द चक्रास। ओके, नाउ आते हैं टाइप्स ऑफ मेडिटेशन पे, ठीक है, विजुलाइजेशन, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर गाइडेड मेडिटेशन करते हैं कि ओके इमेजिन दैट दिस इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड यू स्टार्ट इमेजिनिंग, दैट इज वन वे ऑफ मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन मतलब बीइंग अवेयर ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। मूवमेंट मेडिटेशन, पीपल हु डांस, एनी काइंड ऑफ डांस, एनी काइंड ऑफ आर्ट्स, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट मेडिटेशन। देन दिस इज वेरी कॉमन मंत्र मेडिटेशन, बहुत सारे लोग चांट करते हैं ओम का, बहुत सारे लोग चांट करते हैं सोहम का, सोहम इज ऑल्सो अ मंत्रा, सो दिस इज कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं ऑलरेडी म्यूजिक लगाकर, और साउंड हीलिंग, मेनी काइंड्स ऑफ टिबेट में और चाइनीज में, अगर आप यहाँ पर जो मॉन्क्स है उन लोग बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं टू टेक यू इनटू मेडिटेशन। Now difference between mindfulness और meditation. Meditation की बहुत सारी techniques हैं, जिसमें से mindfulness एक है। अगर आप देखोगे meditation का process क्या है, empty your mind. यहाँ पे white. Empty your mind. And mindfulness means bring everything in your mind. Don't fight with it. अगर मेरे mind में कोई thoughts आ रहे हैं, आने दो। उसको elaborate करो। उसके बाद fight मत करो। उसको भाग जाओ ऐसे मत बोलो, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ओके, लेट्स वॉच अ स्मॉल वीडियो बिफोर वी ट्राई मेडिटेशन हियर। एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? ट्राई किया।
सो वी आर वाचिंग अ वीडियो के कौन से टाइप का मेडिटेशन इसके लिए अच्छा रहेगा ठीक is the one habit that I've preached about the most on this channel, and it's because of the countless benefits that it can bring into your life. However, it is one of the most challenging habits to build, and this is because we often try to force ourselves to stick to a certain form of meditation that may not suit us. When this happens, we are naturally met with a lot of resistance, and it often feels like we are wasting our time. This is why today, I want to go over 7 of the most common forms of meditation, how each of them work, what benefits each bring, and also who each of them are for, so that you can find the one best suited for you and your needs, allowing you to build the habit easier with more success. We will start off with the form of meditation that I personally practice the most, which is called mindfulness breathing meditation. How does it work? Well, basically you focus on the sensation of breathing, the feeling of air going in your nose and out of your mouth, and whenever a thought appears, you simply notice it, let it float away, and then you bring your attention back to your breathing. The key here is actually the noticing. That's where the word mindful comes from. You are practicing your ability to observe your thoughts without judgment. What sort of benefits does this form of meditation bring? I want to start off by saying that almost all forms of meditation share some of the same benefits, such as stress reduction, self-control, and focus. So I won't be bringing these up unless the form of meditation that we're talking about is especially good at producing a particular result. Now, mindfulness breathing meditation falls under the scientific category of what's called open awareness meditations, where you focus on becoming aware of your thoughts and feelings. These forms of meditation have been shown to drastically increase your levels of creativity, allowing you to come up with many different ideas and solutions to problems. It also trains you to let go of your thoughts. We all have negative thoughts about things throughout the day, but when we start thinking more about these thoughts, that's when we actually begin to experience negative emotions. Mindfulness breathing meditation teaches you to simply notice such thoughts and let them float away, preventing overthinking and the negative side effects that come with it. Who is this for? In the past, I've recommended everyone to start with this form of meditation because it was the one that I am most familiar with. But over time, I've learned that it's not for everyone. Starting with mindfulness breathing meditation can be quite difficult for those of you that overthink or have never tried meditation before. But if you want to gain more control over how sensitive you are to negative thoughts and also how creative you are, then this might be the best form of meditation for you. The next form of meditation... इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन मीन्स यू आर नॉट फाइटिंग विद योर थॉट्स थॉट्स आपके फ्रेंड भी नहीं है एनिमी भी नहीं है न्यूट्रल है नॉर्मली आप ब्लैंक करने के पीछे एम नहीं कर रहे आप आंख बंद कर रहे हो जो थॉट्स आ रहे हैं उसे देख रहे हो जज नहीं कर रहे हो उससे हाइपर एक्टिव नहीं हो रहे हो उससे बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो बट यू आर जस्ट नोटिसिंग द थॉट ये किसके लिए डिफिकल्ट है इफ थॉट्स आते ही आपको इमोशन आने लग जाते Maybe someone had a breakup and you're like, breakup dekhne lage and you start crying or you start feeling that breakup, then mindfulness is not for you. But agar aapko is feeling se bahar aana hai, ki kaise hum past ke jo cheeze hai, humko effect kar rahi hai, I want to face it, I want to fight with it, I don't want to run away from it, then mindfulness meditation can be used. Kyunki other kinds of meditation you are trying to run away, but here you are taking it ahead and you are not getting affected. Next on our list is metta meditation, also known as loving kindness meditation. How does it work? When you practice metta meditation, your goal is to send love in several directions. You start off by visualizing and sending love towards yourself by repeating a predetermined phrase like, may I be happy, or may I be healthy in your head. After a while, you do the same thing to a friend, then to a stranger, then to someone you dislike, and finally to the universe as a whole. What sort of benefits does this form of meditation bring? Well, loving kindness meditation is well known for increasing empathy towards other people. It has also been shown to reduce pain, reduce negative emotions, and even help with PTSD. There has even been research that suggests that it increases the amount of gray matter in your brain associated with emotional intelligence, which in theory could mean that it can improve your social skills. Who is this form of meditation for? Metta meditation is good if you feel like you have a lot of hate or anger within you, whether it's guided towards yourself or other people. When you practice this form of meditation, you are essentially training yourself to be more loving. And as cheesy as this may sound, it can definitely bring a lot more happiness into your life. This may also be a good form of meditation to practice if you've suffered from any past traumas. The next one,
So any bad experiences अगर हमको हुए हैं life में और वो बार बार replay हो रहे हैं तो क्या होता है, हम उस person को तो hurt, उसके लिए तो angry होते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया, और हमें लगता है हम अपनी तरफ भी anger दिखाते हैं कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मैंने अपने साथ गलत क्यों होने दिया। तो सेल्फ हेट आता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट आता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फीलिंग्स आती है खुद की तरफ, तो अल्टीमेटली वी आर नॉट बीइंग हैप्पी। सो इन दिस मेडिटेशन यू आर सेंडिंग लव टू फर्स्ट योरसेल्फ, दैट आई लव मायसेल्फ, आई डिजर्व द बेस्ट, आई कैन बी बेटर, अपने आप को। फिर यू स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल अराउंड, यू आर नॉट फॉरगेटिंग जो गलत किया उन्होंने, बट यू स्टार्ट फॉरगिविंग देम ताकि हाथ से छूटते जाए वो लोग और उनके साथ से जुड़े जो एक्सपीरियंसेस है। This can help you heal with that trauma. This kind of meditation. Well, meditation on our list is guided meditation. How does it work? Well, basically, this is any form of meditation where a narrator is guiding you through the process. You simply follow their instructions, and that's basically it. The meditation sessions can vary greatly depending on the video or app that you are using. What sort of benefits does this form of meditation bring? I would definitely say that this form of meditation is the easiest form on our list, and that's because you don't really have to deal with complete silence and the doubts that come when practicing meditation by yourself. However, listening to someone talk while you meditate may prevent you from going deep where many of the benefits and realizations lie, which is why I believe guided meditation gives you all of the benefits that other forms of meditation bring, but with much less intensity. Who is this form of meditation for? Guided meditation is something you should consider if you've tried other forms of meditation but felt like it was too difficult. There's no harm in putting on some training wheels and getting used to sitting still for extended periods of time before eventually moving on to more advanced forms of meditation. On the side note, if you feel like you need help building a habit of meditation or any habit in general, then you should definitely sign up for my newsletter in the... Guided meditation, we've already done this a lot here. Someone is guiding you to get into deeper consciousness. तब जरूरत पड़ेगी इसकी जब खुद से बैठ के बहुत difficult हो रहा है, खुद से बैठ के बहुत सारे thoughts आ रहे हैं, खुद से बैठ के disturbances आ रहे हैं, so you can take help from some other person. When it comes to impulse control, it's also great for those of you that help the guys into meditation sessions. And what's great to celebrate app in the comments. Extra meditation is a special about the app in the comments down below. The next form of meditation on our list is mantra meditation. How does it work? Mantra meditation is a special form of meditation where you focus on repeating a phrase or a series of words over and over again. You can honestly choose whatever mantra you want, just keep in mind that the best mantras are positively phrased. For example, I am calm is a better mantra to repeat than I do not worry. What are the benefits to this? The benefits really depend on which mantra you choose. When you repeat a phrase to yourself so many times and focus on it with such intensity, you start to believe it. This is similar to how we obtain the beliefs that we currently have about ourselves and life in general. We repeated them thousands of times in our head until they became true. So in a way, mantra meditation can reprogram the way you think and view yourself. For example, if you use a mantra like, "My life is full of joy," you will actually start to become more grateful of the little things throughout the day. If you use a mantra like, "I can achieve anything I put my mind to," you will start feeling more confident in your abilities, which would cause you to take more action. Who is this for? Mantra meditation is for anyone who feels like they have a certain belief about themselves or about life that is holding them back, because it allows you to pinpoint a specific problem that you have and fix it. This is a good form of meditation to practice if you are not looking to gain multiple benefits, but rather to fix one specific problem. Next up on our list. देखिए मंत्रा religious भी हो सकता है, जैसे कि गायत्री मंत्रा हो सकता है, ओम हो सकता है, और वो कोई text भी हो सकती है, जैसे कि I am powerful और I can achieve any goal. और बार-बार अगर आप repeat कर रहे हो, क्योंकि हम लोग बार-बार रोज बहुत सारी चीजें repeat कर रहे हैं, जैसे I am a failure और I don't look good और I always mess up. और टुडे आई वाज नॉट गुड, आई एम वेरी लेस कॉन्फिडेंट, इसको तो हम रिपीट कर रही है हर माइंड के अंदर ऊंचा और बार बार कर रहे हैं, तो इट बिकम्स योर रियलिटी. वट एवर यू आर रिपीटिंग इन योर माइंड, इट विल वन डे बिकम योर रियलिटी. सो बेटर रिपीट वर्ड्स दैट आर यूजफुल टू यू. दिस इज प्राणायाम मेडिटेशन, आल्सो नोन एज ब्रेथ कंट्रोल मेडिटेशन. हाउ डज इट वर्क? This form of meditation is more about controlling the pacing of your breathing. It is actually often taught as a breathing exercise in the form of the 4-4-4-4 box method. Basically, you breathe in through your nose for 4 seconds, hold your breath for 4 seconds, exhale slowly for 4 seconds, and then wait for 4 seconds, and then you repeat the entire process over and over again.
What are the benefits to this? This form of meditation is most widely known for its calming benefits. Studies have shown that it lowers your blood pressure, reduces stress, and even helps you fall asleep. It is also one of the only forms of meditation that have been shown to strengthen your lungs. Who is this for? This is a good form of meditation to practice if you suffer from a lot of stress or anxiety. In fact, the box breathing method is usually taught not as a form of meditation, but as a method used to calm people down. It is also one of the easier forms of meditation to practice because you are not focusing on being present or emptying your mind. You are simply focusing on breathing at a certain pace. And finally, we have moving meditation. How does it work? Well, moving meditation is done when you are completely focused on making some sort of movement, whether it's walking, doing chores, yoga, or even dancing. While you move, you focus on the physical changes and sensations that occur. For example, if you choose to practice moving meditation while walking, your focus will be on the feeling of your feet touching the ground and pushing off, and so on. What are the benefits to this? I believe that the main benefit to moving meditation is that it teaches you how to enter the flow state. This is because certain movements, such as dance, force you to be creative and present at the same time, because you have to decide which movement you will make next, which is something that doesn't happen with any of the other forms of meditation. Who is this for? This form of meditation is great if you have a hard time sitting still. Maybe you have some health issues that prevent you from doing so, or maybe you feel too jittery. This, however, can become a double-edged sword because moving often makes it easier to forget that your goal is to meditate. It is much, much harder to get into a deep meditative state while moving because you are basically multitasking. But this is a great form of meditation that you can incorporate into your day-to-day life if you feel like you are a busy person, because you can practice this form of meditation with any movement, which includes washing dishes and even taking a shower. And that's it. These are 7 of the most common forms of meditation out there. Now, 7 forms of meditation, even more forms of meditation, आपको चूज करना है, meditation तो करना है और उसको practice को लेके आना है, on a regular basis. अगर आपको लगता है कि आप बहुत kinesthetic person हो, movement में believe करते हो, एक जगह नहीं बैठ सकते हो, आप नहीं बन कर सकते हो, movement, meditation, nature में जाना, play करना, dance करना, ये आपका form of meditation हो सकता है. But if you think कि आपको calm down करना अपने mind को एक जगह बैठ के, then other forms of meditation can be used. So now we are going to start meditation. लाइट बंद कर सकते हैं. सो टुडे वी विल डू 3 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन फॉर 5-7 मिनट्स ईच. पहला है जो बॉक्स मेडिटेशन हमने देखा था, 4x4 बॉक्स मेडिटेशन ट्राई करेंगे. सेकंड है मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन ट्राई करेंगे, यू कैन यूज एनी मंत्र. और थर्ड है गाइडेड मेडिटेशन करेंगे. ये तीनों So everyone will close their eyes. Close your eyes. पैर ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, आसमान में रख सकते हैं, कहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ पे कंफर्टेबल है. अगर पैर नीचे रख के लग रहा है पैर सुन हो जाएगा तो ऊपर रखो. ठीक है, सभी अपने आईज क्लोज कर लो. अब जो ये टेक्निक है इसमें फोकस कर रहे हो आप ब्रेथ के ऊपर. ठीक है, 4 seconds into 4 जो हमने मेडिटेशन टेक्निक की बात की, 4 seconds into 4 मतलब 4 seconds लगाकर आप पहले इनहेल करोगे. तो सांस को अंदर लेते हैं नोज से, ठीक है, ऐसे अंदर इनहेल किया, उसके बाद 4 seconds के लिए उस ब्रेथ को होल्ड करके रखोगे. 4 seconds जितने तक आप उसको एक्सहेल नहीं करोगे, होल्ड करके रखोगे, फिर 4 seconds तक उसको एक्सहेल करोगे और वापस से फिर 4 seconds के बाद ही नया ब्रेथ भरो. समझ रहे? If you want, you can see once. You want to see once. Okay, see. 4 seconds. Okay, let's see. इससे क्या होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्रेथ होल्ड करने मिलेगा,
और स्लो से एक्सहेल स्लो से इनहेल स्टार्ट। किसी दूसरे को नहीं देखना, अपना मेडिटेशन करना। फोर सेकेंड्स, इनहेल योर ब्रेथ थ्रू योर नोज, होल्ड फॉर फोर सेकेंड्स, देन एक्सहेल फॉर फोर सेकेंड्स। All your focus on just the breathing, nothing else. It's like thanking your breath for being there, because you are alive because of his breath. Four seconds, inhale. Exhale, hold, inhale, hold. Start seeing your breath. Can be difficult for 1-2 times. 4 seconds, inhale and hold, and exhale for 4 seconds and hold and inhale for 4 seconds. If you do an error, start again and take time to learn. I repeat the instruction. 4 seconds, 1, 2, 3, 4, inhale, 4 seconds, 1, 2, 3, 4, hold, 4 seconds, 1, 2, 3, 4, exhale, 4 seconds, 1, 2, 3, 4, hold, and repeat. First time you are engaging your lungs, so that is why there can be coughing. First time lungs ke pure potential pe you are breathing, lungs ki capacity you are using for the first time. If you feel tired, for 3-4 times do normal breathing and then again start 4x4. Just 2 minutes more we will do this. Four seconds, inhale,
hold, exhale, hold, inhale. One more minute to go. All your focus towards the process of breathing. Just 30 seconds to go. Keep your eyes closed. Inhale, hold, exhale, hold, inhale. Seconds more, and then you will switch to inhale and exhale. Inhale 6 seconds, exhale 6 seconds. After 4x4, inhale 6 seconds, hold 2 seconds, exhale 6 seconds. This is 2x2. Whenever you feel like on your own, only then you can open your eyes. If you like, if you enjoy, if you feel good, you may continue for some time. Those who feel tired, they can slowly open their eyes. When you feel like you can open your eyes, everyone can now open their eyes. Okay. So, the second type, we'll continue from here only. Second type of meditation we are trying for 5 minutes. Jo bol rahe bas ho gaya, can. हमिंग मेडिटेशन, हमिंग, जैसे ओम का उच्चारण होता है वैसे हमिंग का एक साउंड आता है फ्रॉम योर थ्रोट। मैं आपको बताऊंगा कैसे। सो फर्स्ट इज आई विल इनहेल
sound will be coming from your throat, chest area. यहाँ पे आप हाथ रखोगे, you will feel a vibration. एक हो गया. But new people should not. यहाँ पे you have to not make the sound from your lips से नहीं करना sound, lips से sound नहीं करना है, कान से sound नहीं करना है. Just put your hand here and feel if you can feel vibration by doing a humming sound. ठीक है, inhalation जितना ज़्यादा हो सकता है, पर exhalation में humming sound अपने chest area से you can always keep a hand here. Close your eyes. So 1, 2, 3 we inhale together. Okay. Close your eyes. 1, 2, 3 inhale.